हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सेशन आज का। मैंने जैसे कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी थी, आप सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी हो गया था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी हो गया था। आज बात कर लेते हैं फॉन्ट कलर की, ठीक है। फॉन्ट जब हम डालते हैं तो फॉन्ट का एक स्टाइल आ ही जाता है, जब हमने ऑल्ट एच एफ एन बताया था तो फॉन्ट स्टाइल उसी में आ जाता है। अब ज़रूरी क्या है कि फॉन्ट कलर की बात कर लेते हैं आज, फिर फॉन्ट बॉर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए आप, हमने जैसे लिखा, मान लीजिए हमने लिख लिया, एक हेडिंग लिखी के स्टेट्स एंड कैपिटल, वर्ड खोला, एक हेडिंग लिखी स्टेट्स एंड कैपिटल, और हमने फिर नेक्स्ट लाइन किसे चेंज होती है, एंटर से। जैसे लिखा हमने यूपी डैश लखनऊ, और फिर एंटर किया, लाइन चेंज हो गई एमपी भोपाल। ऐसी बहुत सारी आप जो है कैपिटल, स्टेट्स कैपिटल लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबका लिख लिया, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं। अब हमें इस तरीके से देखना है कि स्टेट्स एंड कैपिटल को हमें कौन सा कलर देना है, पहले वो सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट्स एंड कैपिटल। फिर हम यहाँ करेंगे स्टेट एंड कैपिटल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डाउन या शिफ्ट एंड से कंट्रोल रूम पे जाके वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद फिर हम करेंगे ऑल्ट की, टैब टैब से जाएंगे फॉन्ट कलर पे, होम टैब में बाय डिफ़ॉल्ट फोकस जाएगा, या डायरेक्ट ऑल्ट एच करेंगे और टैब टैब से फॉन्ट कलर पे हम एंटर कर देंगे। फॉन्ट कलर्स पे जब आपने एंटर किया तो वहाँ पे आप टैब टैब से देखेंगे, आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, है ना, येलो, ऑरेंज, रेड, वाइट, ब्लैक, ये होता है ना बैकग्राउंड वाइट एंड ये वो गरम झगड़म, तो वाइट ब्लैक तो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है, लेकिन आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे अगर आपको कलर देना है तो जो भी आप कलर चाहते हैं वहाँ पे एंटर कर दीजिए। क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो आपका वो जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर है, जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो आपको दिख रहा था वाइट ब्लैक, वो आप जो देना चाहते हैं वो आपका हो जाएगा टेक्स्ट कलर में, ठीक है। जब आप हाईलाइटेड टेक्स्ट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर ज़्यादातर बदलता है, आता है ऑप्शन हाईलाइटेड टेक्स्ट। अगर हम आप हाईलाइटेड टेक्स्ट पे भी एंटर करेंगे ऑल्ट से या ऑल्ट टेक्स्ट से जाके टैप टैप से, तो वहाँ पे आप एंटर करोगे तो वहाँ पे भी आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, और फिर आप कोई भी कलर चूज़ करके टैप टैप से आपने चूज़ किया और वहाँ पे एंटर किया, तो आपका जब आप इंसर्ट ऐप से देखोगे तो आपको वो आपका ब्लैक और वाइट दिखाएगा बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड को खूबसूरत बनाएगा। हाईलाइटेड टेक्स्ट में ये होता है, लेकिन जब हमने फॉन्ट कलर का जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट कलर का जो ऑप्शन है, जो इसमें हम ऑल्ट की से टैप टैप करके या ऑल्ट टच करके होम टैप का कमांड देके टैप टैप से फॉन्ट कलर पे गए, हमने एंटर किया, फिर वहाँ हमने टैप टैप से नेविगेशन किया कौन सा कलर हमें चाहिए, फिर हमने वहाँ पर एंटर कर दिया, तो फिर आप इंसर्ट ऐप से चेक करोगे तो आपका वो फॉन्ट कलर जो आपने दिया है वो आ गया होगा, तो आपने दिया है वो फॉन्ट कलर वहाँ पे टेक्स्ट में अप्लाई हो गया होगा। और ये चीज़ हाईलाइटेड टेक्स्ट में, लेकिन उसमें फॉन्ट का जो फॉन्ट आपने स्टाइल लिखा है उसका कलर, टेक्स्ट का कलर नहीं बदलेगा, बैकग्राउंड कलर बदलता है फॉन्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट में। और उसमें भी यही सेम चीज़ रहती है कि ऑल्ट की या ऑल्ट टच करके टैप टैप से जाओ, हाईलाइटेड टेक्स्ट पर एंटर करो, फिर आप वहाँ पर एंटर करोगे या तो आपको ऑप्शन दिखा देगा कुछ, तो आप टैप टैप से नेविगेशन कर लो, नहीं दिखाता है तो कोई बात नहीं, आप जैसे ही एंटर करोगे आप फिर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वापस आ जाओगे, इंसर्ट ऐप से चेक कर सकते हो। लेकिन फॉन्ट कलर से आपके फॉन्ट यानी आपका जो स्टाइल है, जो फॉन्ट है उसमें और टेक्स्ट का कलर बदलेगा, और हाईलाइटेड टेक्स्ट का अगर आपके पास ऑप्शन है वर्ड आपकी विंडो में एम एस ऑफिस में, क्योंकि हर एम एस ऑफिस में, हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो 2010 के बाद जो 13-16 की आए हैं और 19 का, उसमें हल्का हल्का सा फ़र्क है, थोड़े से ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड हैं, इधर उधर कर दिया गया इन ऑप्शंस को। तो आप फिर इंसर्ट ऐप से चेक करोगे ऑल्ट की या ऑल्ट एच, याद रखना ऑल्ट की या ऑल्ट एच करके टैप टैप से फॉन्ट कलर पे जाओ, वहाँ पे एंटर करते ही आपको बहुत सारे कलर दिखाएगा, आपको टैप टैप से कलर चुनने हैं। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट में हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, वो एंटर करते ही वर्ड खुल सकता है, एंटर करते ही कुछ ऑप्शन भी दिखा सकता है, लेकिन फॉन्ट कलर में आपको 100% नॉट 99% जैसे ही आपने फॉन्ट कलर पे एंटर किया आपको टैप टैप से बहुत सारे कलर दिखाएगा, आपको जो चाहिए वहाँ पे एंटर कर दो,
ठीक है, ये होम टैब में मिलता है, ये भी बता दिया है मैंने आपको। तो आप इंसर्ट ऐप से चेक करोगे तो वो आपका कलर वहाँ अप्लाई हो चुका होगा आपके फॉन्ट में और आपके टेक्स्ट में। ये आपकी अब एक कमांड जो किसी को नहीं पता, जो मुझे पता है और जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें मैंने बताया है वो ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। एक और कमांड होती है जिससे हम फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन सी होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको बस जैसे हमने स्टेट एंड कैपिटल को कलर दिया है, इसी तरीके आपको जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट कर दो ऑल्ट एच एक साथ दबाओ फिर एच, यानी ऑल्ट एच एक साथ फिर एच। ये किसी को नहीं पता, ये एनवीडीए भी नहीं बताएगा आपको ना जॉस बताएगा। ऑल्ट एच यानी ऑल्ट एच एक साथ फिर एच, ऑल्ट डबल एच, ये करोगे तो जैसे हम फॉन्ट कलर के ऊपर हमने एंटर किया था ना तो बहुत सारे कलर दिखा रहा था, आपको ऑल्ट एच एच करने से डायरेक्ट आप फॉन्ट कलर बॉक्स में चले जाओगे, फॉन्ट कलर डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पे भी आप टैप टैप से नेविगेशन करोगे तो आपको बहुत सारे कलर दिखाएंगे आपको स्क्रीन रीडर्स, यानी बताएगा पढ़ पढ़ के जॉज और एनवीडी आपको जो कलर चाहिए उस पर एंटर कर दो, आपका वो कलर अप्लाई हो जाएगा और इंसर्ट एफ से आप चेक कर सकते हो। इंसर्ट एफ क्या है? फॉर्मेटिंग चेक करने की कमांड। तो ये आपको मैंने आज फॉन्ट कलर बताया है, इसको अप्लाई करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, प्रैक्टिकल कीजिए। कल मैं आपको बॉर्डर और क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे हटाते हैं वो क्लियर फॉर्मेटिंग करना, और कल बॉर्डर पढ़ाऊंगी आपको, फिर परसों नंबरिंग, फिर तरसों बुलेटिंग। ओके, तो आज आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है और अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।